मैं बहुत ज़्यादा प्राइड लेती हूँ इस बात में कि आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई हैव बीन वर्किंग एज अ मेंटोर एंड कोच और जो सबसे ज़्यादा जो एक वैल्यू है जिसको आई हैव बीन लिविंग एंड आई एम एंजॉयिंग थॉरली वो ये है कि आई हैव बीन रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री इंटरनेशनली. सो हो सकता है शायद आप लोग इतना अगर आप लोग अभी तक नहीं जानते हैं कि हु एम आई या पाकिस्तान में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हैं. सो मेरी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान से बाहर हैं. आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर एंड वट आई वॉन्टेड basically I have been working into information technology sector. So wahan par I have like you know made my country proud internationally in England, in Nepal, in Africa, in Bangladesh and also in Europe side. So regarding coming to passion, kyunki I think ye hum sab ke liye bahut zaruri hai ki jab hum apni zindagi guzare so zindagi aap sab ke liye ek gift hai, ek blessing hai. और उसमें यह है कि हमें जितनी भी लाइफ में हमें चीज़ें मिली हुई हैं और जिस तरह से भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं और यस हमारे पास चैलेंजेस भी हैं लेकिन अगर आप लोगों को ये पता है कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है और आप लोगों ने उसके ऊपर एफर्ट किया है उसको जानने के लिए सो देन यू नो कि अच्छा ठीक है डिस्पाइट एनी प्रॉब्लम्स हम इसको किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और हम एक डायरेक्शन में जा सकते हैं. तो विजन बहुत ज़रूरी है एंड जब हम विजन की बात करते हैं तो उसमें हम इलाम इकबाल की शायरी की एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें उन्होंने शाहीन के ऊपर बहुत फोकस किया हुआ है. सो शाहीन का आपको पता है कि उसका लाइक विजन बहुत तेज होता है एंड इट इज़ वेरी शॉर्ट. सो द रीज़न इज़ कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए है एंड आपकी ज़िंदगी में अगर जो भी मुश्किल आएंगी लेकिन आपको ये पता है कि आपका एक नॉर्थ स्टार क्या है आपकी ज़िंदगी का सो आप उसको हासिल कर लेंगे. So for me, the passion has been to positively impact people and to help people through my coaching that they can also find their passion. And how did I find it? It was not easy. Of course, हम लोगों को नहीं पहले दिन से पता होता कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं. But उसके लिए जो मैंने अपनी journey ली है वो इस तरह से थी कि I had been trying everything कि मुझे क्या करना है और मुझे मैंने आहिस्ता आहिस्ता भी define किया अपनी life में कि मुझे क्या चीज़ें करनी है और मुझे क्या चीज़ें नहीं करनी है. मुझे पीपल मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड इस मैंने टाइम के साथ इवॉल्व किया एंड आई वॉज रियलाइजिंग. सो उसमें सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आप खुदी का कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं. यू शुड बी सेल्फ अवेयर कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है. सो जब आपको ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास आगाही होगी कि आपने क्या करना है और आप क्या करना चाहते हैं so then you can live your life in a better way and then you can make the impact. So that's all I want to say. Thank you Madiha, thank you for sharing your experiences and giving advice to our students. I hope you all will learn a lot from